उत्तर प्रदेश के दिन भर की खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। चलिए जानते हैं सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। उससे पहले आपको बता दें तो जीत के बाद सीएम योगी आज पहली बार कई सारे बड़े और महत्वपूर्ण फैसले ले लिए हैं। सारी जानकारी देंगे, पर उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दी, और अगर हर रोज खबर को देखना हो तभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नया उत्तर प्रदेश बनाएंगे यूपी के स्किल्ड युवा, बोले सीएम योगी। जी हां, देश में सबसे बड़ी युवा शक्ति उत्तर प्रदेश में है। ऐसे में युवा शक्ति के टैलेंट को टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग के साथ जोड़ करके हम उसे डेवलपमेंट के साथ ही आगे बढ़ा रहे हैं। आज इसी की आवश्यकता है। आपको बता दें कि ये सभी बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लोक भवन के सभागार में लखनऊ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह पर आयोजित सैमसंग इनोवेशन कैंपस के तहत लेवीवी के विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण करने के दौरान कही। इससे पहले सीएम योगी ने कई छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। इस अवसर पर 383 छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण छात्रों को मिलेंगी निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा, इनका हुआ चयन। जी हां, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विद्यार्थियों को जल्द ही निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जाएगी। फिलहाल इसके लिए लखनऊ, कानपुर नगर तथा गोरखपुर के 10 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को प्रयोग के तौर पर चयन किया गया है। कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी विषय की निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर राज्य परियोजना निदेशक विष्णुकांत पांड्या ने जानकारी दी है कि ग्रामीण विद्यार्थियों को IIT कानपुर के ऑनलाइन रूरल एजुकेशन इनिशिएटिव कार्यक्रम के तहत निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा दिए जाने का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। मुख्तार अंसारी पर कस्ता शिकंजा, ईडी को आर्थिक साझेदार, जितेंद्र शापरा की तलाश। जी हां, उत्तर प्रदेश के प्रवर्तन निदेशालय को बांदा जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के करीबी आर्थिक साझेदार जितेंद्र शापरा की तलाश है। नई दिल्ली व प्रयागराज में उसकी तलाश की जा रही है। ईडी को आशंका है कि मुख्तार की अपराध जगत से होने वाली कमाई को जितेंद्र शापरा संपत्तियों की खरीद फरोख्त में लगाता है। सूत्रों के अनुसार ईडी को जानकारी मिली है कि जितेंद्र शापरा मुख्तार और उसके परिवार की कंपनियों में साझेदार है। इसकी एक फॉर्म मेमर्स मऊ ऑर्गेनिक है, जो मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों अब्बास अंसारी और अमर अंसारी का फॉर्म है। जितेंद्र ने इन फॉर्मों और कंपनियों के जरिए मुख्तार अंसारी और उसके परिवार का पैसा दिल्ली, गाजीपुर और जालौन आदि शहरों में निवेश किया है। यूपी निकाय चुनाव में बसपा का दलित मुस्लिम दांव ना आया काम, दो से पहुंची शून्य। जी हां, बसपा का मुस्लिम दांव विधानसभा के बाद निकाय चुनाव में भी काम ना आया। निकाय चुनाव में सबसे अहम मानी जाने वाली मेयर की 17 सीटों को पाने के लिए 11 पर मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिए, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इतना ही नहीं, पिछले चुनाव में मेरठ और अलीगढ़ मेयर सीट जीतने वाली बसपा के हाथ से यह दोनों सीटें भी खिसक गयी। बता दें कि बसपा को मेरठ, अलीगढ़, सहारनपुर, मुरादाबाद और प्रयागराज मेयर सीट पर उम्मीदें थी। वह मानकर चल रही थी कि अतीक अहमद कांड के फायदा उसे मिलेगा और दलित मुस्लिम वोटों का गठजोड़ उसे जीत दिलाने में कारगर होगा। उत्तर प्रदेश के बरेली में न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस के एसी कोच में फौजी का हंगामा, हुआ गिरफ्तार। जी, उत्तर प्रदेश के न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस के एसी कोच B2 में बिना टिकट सफर करने वाले फौजी अनीस कुमार राय को बरेली जंक्शन RPF ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि सरकारी काम में बाधा डालने और रेलवे स्टाफ से अभद्रता करने के आरोप में धारा 145B, 146, 155 रेल अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। दरअसल बिहार के सिवान में कुमकुम गांव के रहने वाले अनीस कुमार राय बीकानेर राजस्थान की महाजन यूनिट में कार्यरत है। फौजी अनीस कुमार के पास टिकट नहीं था। एक दिन बाद का उनके पास टिकट था, फिर भी वह AC B2 कोच में सवार हो गए। जब यात्रियों ने विरोध किया तो वह हंगामा करने लगे। दिल्ली में 4 दिनों तक हो सकती है बारिश, यूपी से बिहार तक लू के आसार, जाने दूसरे राज्यों में मौसम का हाल। जी हां, बता दें कि हिमाचल प्रदेश से लेकर दिल्ली NCR तक में आज से 4 दिनों तक बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि इस दौरान दिल्ली में तेज हवाएं भी चल सकती हैं। हालांकि इस दौरान तापमान में अधिक गिरावट की संभावना नहीं है। वहीं आपको बता दें तो IMD ने 14 मई से 17 मई तक हिमाचल प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी भी दी है। वहीं मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि पश्चिम राजस्थान, हरियाणा, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ इलाकों में भी 15 से 17 तक लू चलने के आसार है।
आम आदमी पार्टी के 38 में से 37 प्रत्याशियों की जमानत जब्त, जाने किसने बचाई पार्टी की लाज। जी हां, निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। पार्टी ने 38 वार्डों में प्रत्याशी उतारे थे। वार्ड नंबर 10 में पार्टी प्रत्याशी मीना देवी और वार्ड नंबर 85 में पार्टी प्रत्याशी जुनैद दूसरे नंबर पर रहे। दूसरे नंबर पर जहां मीना देवी ने जमानत बचाई, वहीं जुनैद दूसरे नंबर पर आकर भी जमानत नहीं बचा सके। बताने के स्थानीय पार्टी नेतृत्व का कहना है कि हार के कारणों की समीक्षा होगी। नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी चारों खाने चित्त हो गई है। वहीं चुनाव से पहले 100 वार्डों में प्रत्याशी उतारने की बात करने वाली पार्टी को केवल 38 वार्ड में ही प्रत्याशी मिल सके थे। इसके बाद स्थानीय पार्टी नेतृत्व ने अपने सभी प्रत्याशियों को जीत का मजबूत दावेदार बताया, परंतु आज हुए परिणाम ने पार्टी के बड़बोलेपन पर लगाम लगा दी। उत्तर प्रदेश में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बोले, लोकसभा चुनाव में सभी 80 सीटों पर जीत के संकल्प को मिली मजबूती। जी हां, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने आज कहा है कि चुनाव में पार्टी को मिला अभूतपूर्व समर्थन, लोकसभा चुनाव में सभी 80 सीटें जीतने के संकल्प को मजबूती देगा। पार्टी की जीत पर उन्होंने मतदाताओं व पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। वहीं उन्होंने कहा है कि जनता ने फिर भी विपक्ष की नकारात्मक राजनीतिक सोच को नकार कर सबका साथ सबका विकास व सबका विश्वास को तवज्जो दे दी है। पार्टी ने हर कार्यक्रम व अभियान को अंजाम तक पहुंचाकर जीत का स्वर्णिम इतिहास रचा है। उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर में भर्ती जल्द आने वाली है। 2430 पदों पर वैकेंसी, ऐसे होगा चयन। जी हां, उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवारों के लिए जल्द ही अच्छी खबर आने वाली है। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड जल्द ही उत्तर पुलिस विभाग के अंतर्गत हेड रेडियो ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो असिस्टेंट ऑपरेटर के 2430 रिक्त पदों की आपूर्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी करने वाला है। इसके लिए जो भी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जो भी उम्मीदवार यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह एक सुनहरा मौका है। यूपी पुलिस रेडियो संचालक भर्ती से जुड़ी सभी अन्य डिटेल की जानकारी हम आपको अगले वीडियो में भी देंगे। उत्तर प्रदेश में मोबाइल फोन खो जाने पर अब टेंशन नहीं, सरकार लॉन्च करने जा रही है खास ट्रैकिंग सिस्टम। जी हां, मोबाइल फोन गुम हो जाने या चोरी हो जाने के बाद उसे ट्रैक या ब्लॉक करने को लेकर अक्सर टेंशन रहती है। अब सरकार कुछ ऐसा करने जा रही है जिससे यह टेंशन हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। जी हां, सरकार इस सप्ताह एक ट्रैकिंग सिस्टम शुरू करने जा रही है। इस सिस्टम के जरिए देश भर में लोग अपने गायब या चोरी हो चुके मोबाइल फोन को ब्लॉक कर सकेंगे या उसका पता लगा सकेंगे। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने हमें यह जानकारी दी। दरअसल प्रौद्योगिकी विकास निकाय सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित कुछ दूर संचार सर्किलों में सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर सिस्टम को एक्सपेरिमेंट के तौर पर चला रहा है। आज हिंदू एकता यात्रा निकालेगी बीजेपी, हिमंता और केरल स्टोरी की भी टीम लेंगी हिस्सा। जी हां, आज 14 मई को तेलुगु हनुमान जयंती के मौके पर भाजपा तेलंगाना के करीमनगर में हिंदू एकता यात्रा का आयोजन कर रही है। पार्टी के एक पदाधिकारी ने जानकारी दी है कि तेलुगु हनुमान जयंती के अवसर पर भाजपा तेलंगाना के अध्यक्ष बंदी संजय कुमार के नेतृत्व में आज करीमनगर में हिंदू एकता यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। इसी में असम की मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी हिंदू एकता यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसके अलावा फिल्म द केरला स्टोरी के निर्देशक और उनके कर्मचारी के अलावा करीब 1,00,000 लोगों की यात्रा में भाग लेने की उम्मीद है। मामले की जानकारी देते हुए तेलंगाना भाजपा के एक पदाधिकारी ने जानकारी दी कि कार्यक्रम आज शाम से ही शुरू हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार का ई वाहन अभियान, सरकारी विभागों में 100% ईवी बनाने का लक्ष्य। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा नेतृत्व किए जाने वाली सरकार योजना के तहत राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के अनुदेशक को बढ़ावा देने की एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की गई है। इस पहल के तहत सरकार ने चरणों में सभी सरकारी विभागों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों को 2030 तक ईवी में बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि वे नियत पर इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा दें। महाराष्ट्र के अकोला में 2 गुटों में बवाल, पथराव और तोड़फोड़, गाड़ियां भी लगाई आग, धारा 144 लागू। जी हां, महाराष्ट्र के अकोला की ओल्ड सिटी थाना क्षेत्र में आज मामूली विवाद को लेकर बवाल हो गया है। एक वीडियो में कथित तौर पर 2 समूह के सदस्यों को एक दूसरे पर पथराव करती, वाहनों को क्षतिग्रस्त करती और सड़कों पर हंगामा करते हुए दिखाया गया। हालांकि अधिकारियों ने कहा है कि अब स्थिति नियंत्रण में है।
इस घटना के बाद प्रशासन ने एहतियातन इलाके में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दिया है। अकोला की कलेक्टर नीमा अरोड़ा ने कहा है कि पुलिस के मुताबिक बवाल भीड़ ने कुछ वाहनों को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा है कि इस बवाल का घटना को देखते हुए शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। मुस्लिम बहुल सीटों पर भी भाजपा का दबदबा। बीजेपी के 5 मुस्लिम प्रत्याशी बने नगर पंचायत अध्यक्ष। जी हां, उत्तर प्रदेश के नगर निगम चुनाव में मुस्लिम बहुल सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी ने भगवा लहराया। इस बार भाजपा ने 395 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था। वहीं नगर निकाय चुनाव में भाजपा के 5 मुस्लिम प्रत्याशी नगर पंचायत अध्यक्ष नव निर्वाचित हुए हैं। असद के एनकाउंटर के बाद कर्नाटक के रास्ते दुबई भागा अशरफ का साला सद्दाम, अब कुर्की ही सहारा। जी अशरफ का साला सद्दाम जिले के 2 थानों से मुकदमों में वांछित है। पुष्ट सूत्रों से जानकारी मिली है कि असद के एनकाउंटर के बाद सद्दाम दुबई भाग गया है, जहां उसके 2 भाई पहले से रह रहे हैं। अब उसकी संपत्ति कुर्क और परिजनों पर दबाव बनाकर गिरफ्तारी की तैयारी है। उत्तर प्रदेश में बीएड छात्रा को अगवा किया फिर धर्मांतरण कराया। वाराणसी में होनी थी शादी, 5 पर रिपोर्ट दर्ज। जी हां, फतेहपुर जिले में वाराणसी से बीएड की छात्रा को अगवा कर धर्मांतरण करा लिया। मामले में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने मुख्य आरोपी के सिंचाई विभाग में कर्मचारी पिता को धर्मांतरण और रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के सदर कोतवाली क्षेत्र की एक मोहल्ले की रहने वाली युवती लगभग 27 वर्षीय बीएड की छात्रा है। उसकी 2 मई को वाराणसी में शादी होनी थी। उत्तर प्रदेश कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का NSUI BHU का मनाया जश्न। LPG सिलेंडर को अगरबत्ती दिखाकर कसा तंज। जी हां, कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का जश्न आज मनाया गया। BHU के सिंहद्वार पर NSUI और अखिल भारतीय प्रोफेशनल कांग्रेस ने ढोल नगाड़ों के बीच मिठाइयां भी बांटी। एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली मनाई। कार्यकर्ताओं ने जश्न के दौरान ही रसोई गैस सिलेंडर को अगरबत्ती दिखाकर भाजपा सरकार की कथनी और करनी में अंतर जताया। उत्तर प्रदेश में मायावती ने चुनाव परिणाम पर उठाए सवाल। कहा, बैलेट पेपर से चुनाव होता तो बसपा मेयर चुनाव भी जरूर जीतती। जी हां, नगर निकाय चुनाव के परिणामों पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव में भाजपा के साम दाम दंड भेद आदि अनेक हथकंडों के इस्तेमाल के साथ ही सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से BSP चुप होकर बैठने वाली नहीं है। वक्त आने पर इसका जवाब BJP को जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा है कि अगर यह चुनाव भी फ्री एंड फेयर होता तो नतीजों की तस्वीर कुछ और होती। बैलेट पेपर से चुनाव होने पर बसपा मेयर चुनाव भी जरूर जीतती। उत्तर प्रदेश की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। रोज के ताज़ा अपडेट के लिए UP खबर जानकारी को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को जरूर दबा लें।